वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी चैप्टर नंबर 2, इंजीनियरिंग प्लानिंग सब्जेक्ट का नाम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें एग्जांपल नंबर 2.9 है, कहता है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, डाई ऑफ द होल इज 2 इंच। हमारे पास एक ना ये रेक्टेंगल दे के गया है, उसके अंदर 2 इंच डाई से कटी हुई है। आपको मैंने बताया था कि एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर बनी हो तो इसका मतलब है कि उसमें फार्मूले में हमने माइनस पुट करना होता है। इसमें हमें ये वाई एक्सिस के लाइन साथ ड्रा करके गया है और एक्स एक्सिस के लाइन जो फिगर नंबर 1 का सेंटर पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे ड्रा करके गया है, इधर आता है इसका सेंटर पॉइंट। अब हमने इसको चेक करने के वाकई इधर आता है ये पॉइंट जो है, इसको चेक करने के लिए हमने सबसे पहले वाई 1 को देखा कि वो कितना है हमारे पास। वाई 1 हमने देखा वो 15 है इसकी हाइट, इसको हमने डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया तो हमारे पास वाई 1 की वैल्यू आ गई 7.5 इंच। उसके बाद हमने y2 देखा कि हमने ये टोटल 15 है, उसमें से ये 4 हमने माइनस कर दिए, ऊपर से 15 में से 4 माइनस कर दिए तो हमारे पास 11 इंच हमारे पास y1 y2 आ गया। अब हमने जो है ना y बार को देखा कि इसमें फार्मूला है a1 y1 माइनस a2 y2, माइनस इसलिए लगाया कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बनी हुई है। माइनस हमने फार्मूले पुट किया तो नीचे भी a1 माइनस a2 उसमें वैल्यू पुट की तो 7.4 इंच आ गया हमारे पास y बार का आंसर। हमने देखा कि y बार आता है 7.4, अगर हमने 15 का हाफ किया तो ये पॉइंट यहां पे आ रहा था 7.5 इंच पे, अब ये आता है 7.4, यानी ये बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब जो इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है इस फिगर के हिसाब से वहां पर x एक्सिस की लाइन ड्रा करके गया है। अब हमने एरिया फाइंड किया, फिगर नंबर 1 का एरिया रेक्टेंगल था, b मल्टीप्लाई d फार्मूला पुट कर दिया और a2 फाइंड किया, उसमें पाई डी स्क्वायर बाय 4 फार्मूला पुट किया क्योंकि सर्कल है। अब हमने इसका आंसर फाइंड करने के बाद अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और IXX फाइंड करना है। IXX फाइंड करने के लिए हमें K1 और K2 का होना जरूरी है। अब K1 और K2 कैसे आया हमारे पास कि अगर हम Y1 में से Y बार को माइनस करें तो हमारे पास K1 की वैल्यू आ जाती है, और इसी तरह अगर K2 फाइंड करना है हमने Y2 में से अगर Y बार को माइनस करें तो K2 की वैल्यू आएगी हमारे पास। उसी तरह ही हमने Y1 और K1 और K2 को फाइंड किया, K1 आ गया 0.1 इंच और K2 आ गया हमारे पास 3.6 इंच। ये हमारे पास जो दोनों वैल्यू आई हैं, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पाई एक्सिस का फार्मूला पुट किया। रेक्टेंगल के हिसाब से फार्मूला पुट होता था BH3/12 प्लस AK2, ये तो हमारे रेक्टेंगल का फार्मूला पुट किया। अब हमने सर्कल का फार्मूला होता है पाई D4/64 माइनस A2 K2 का स्क्वायर, लेकिन माइनस इसलिए लगाया कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर बनी हुई थी, इसलिए हमने फार्मूले में यहां पर माइनस पुट किया। इसमें हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास IXX का आंसर आ गया वो 2209.69 इंच की पावर 4 आ गया। यही उसने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IXX आप लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छे तरीके से जो है ना अटेंड करेंगे, अटेंड करने के बाद इसको रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने इसकी असाइनमेंट भी बनानी है और इसी ग्रुप में मुझे सेंड करनी है। जिस बच्चे की असाइनमेंट मुझे मिलती रहेगी उस बच्चे की मैं अटेंडेंस साथ साथ लगाता रहूंगा। उम्मीद है आप तमाम बच्चे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और इसका रिस्पॉन्स जो है ना आप लोगों ने रात 8 से 10 बजे के दरमियान मुझे असाइनमेंट बना के सेंड करना है। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।